नमस्कार सिटी वेब में आपका स्वागत है और मैं हूं शिवानी शर्मा। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। वृक्षारोपण दिवस पर यूपी में वृक्षारोपण का बनेगा नया रिकॉर्ड, पर देश भर में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पेड़। जी हां, मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत सीएम योगी ने 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। जानकारी के मुताबिक सीएम और सभी मंत्री एमपी एमएलए स्वयं वृक्षारोपण करेंगे। प्रदेश में 25 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य में सहारनपुर ने भी दिया योगदान। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम दूधली बुखारा में वन विभाग की जमीन पर जिलाधिकारी व एसएसपी संग सभी अधिकारियों ने वृक्षारोपण का शुभारंभ कर पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश दिया। इसके साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन व जनपद के सभी थाना परिसर में भी पौधारोपण किया गया। कावड़ यात्रा के लिए निकले तो होंगे क्वारंटाइन, मंडल के जिलों में दिए जा रहे हैं निर्देश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इसके बावजूद अफसरों को आशंका है कि श्रद्धालु कावड़ यात्रा पर निकलने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके चलते डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में कावड़ यात्रा के लिए निकलने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। स्वस्थ होकर घर लौटे सहारनपुर सांसद। जी हां, एक सप्ताह से अधिक कोरोना संक्रमण से लड़ाई के बाद सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर्रहमान व उनके बेटे कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे। वहीं सांसद ने स्वस्थ होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया। नागर ब्लॉक में आज से 15 जुलाई तक चलेगा कोरोना सर्वे, घर घर जाएगी स्वास्थ्य विभाग टीम। कोरोना से बचाव के लिए नागर ब्लॉक में 5 जुलाई यानी कि आज से 15 जुलाई तक कोरोना सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके घर में कितने लोग हैं, किसी में कोई कोरोना लक्षण है और किसी में कोई पुरानी बीमारी जैसे शुगर या बीपी जैसे तीन मुख्य सवाल पूछे जाएंगे। एक बार फिर धूली स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस। बीती रात हुई बारिश के कारण मोरगंज का पूरा बाजार हुआ जलमग्न। बीती रात हुई बारिश से बाजार मोरगंज, शहीदगंज व कक्कड़गंज में व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। जहां मौके पर मेयर संजीव वालिया पहुंचे, वहीं व्यापारियों में भारी रोष दिखाई दिया, जिस पर सभी व्यापारियों ने मेयर संजीव वालिया से नाला बनवाने की मांग रखी। रेलवे अंडरग्राउंड पासिंग रोड पर जलभराव से राहगीरों को भारी समस्या। इसको सरकार की सफलता कहे या विफलता, कि जब भी बारिश होती है तो जनपद सहारनपुर के जंधेड़े स्थित रेलवे अंडरग्राउंड पासिंग रोड पर लगभग 4 फुट पानी भर जाता है, जिससे जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी तक प्रशासन द्वारा पानी की निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर अपडेट के लिए सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, और हमें हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो भी करें।